हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कार का ऑयल चेंज कर सकते हैं डेमो सेंट्रो पे। तो एक छोटी कार का एग्जांपल ये मैंने, तो चलते हैं फिर आपको ऑयल की कंडीशन दिखाते हैं क्या हुई है। ये डिपस्टिक है इसकी पीले रंग की, तो ये तेल काफ़ी गंदा हो चुका है, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा चल चुका है। इसकी सर्विस इंटरवल टाइम है ऑयल चेंज की 10,000 किलोमीटर, तो ये 10,400 किलोमीटर चल गई एक्स्ट्रा। तो आपको दिखाता हूँ कितनी गाड़ी चली हमारी। हमारी गाड़ी 1,04,426 किलोमीटर चलती है, जो कि 1,50,000 रुपये इसकी सर्विस होने में 400 किलोमीटर ज़्यादा चला दी। सो टूल्स आपको चाहिए, एक ये ऑयल फिल्टर जेनुअन सा ह्यूंडई का लिया मैंने, जेनुअन ऑयल फिल्टर यूज़ करना, और आफ्टर मार्केट सिर्फ एलोफिक का भी यूज़ मत करना। आपको बताऊँगा क्यों, तो बाद में बात करते हैं एलोफिक की। तो ये ऑयल फिल्टर पुलर जो कि इसको खोलने का काम करती है, इसके अटैच हुए तजो, और 3 लीटर का मोटोल का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ब्रांडेड कंपनी 20W50 का APASL वाला। और ये एल हैंडल विद एक्सटेंशन रोड और 17 mm की गोटी, और ये हमारा थोड़ा सा ऑयल कैच कैन करेगी। ये एक एक कंटेनर जिसमें हम ऑयल कैच करें, गंदा सा कलेक्ट करें, थोड़ा रैक की जो पड़ेगी, और ये नीचे शीट बिछाने के लिए जो कि अभी अपने वीडियो में देखी है। सो ऑयल चेंज करने का प्रोसेस तो सेम होता है, बट कुछ गाड़ियों के नीचे जो स्किड प्लेट लगी होती है उस करके थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है घर में ऑयल चेंज करना। सो गाड़ी को थोड़ा चेकअप करना होता है। कोई भी गाड़ी ले लो, किसी का ऑयल फिल्टर नीचे लगवाता है, किसी का इंजन के ऊपर लगवाता है, किसी का इंजन के पीछे लगवाता है, जो कि बहुत ही नैरो स्पेस में होता है। तो ऑयल चेंज का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है हर गाड़ी का। सो चलो शुरू करते हैं। पहले तो हम इसका ऑयल ड्रेन बोल्ट खोलेंगे सेंट्रो का, जो 17 mm का नीचे चेंबर बोल्ट खोलेंगे जिसको। उसके बाद ये हमने स्पेशल टूल है जिसको ऑयल फिल्टर पुलर कहते हैं, इसकी कीमत में ये 280 का पड़ गया है। तो ये 280 का स्पेशल पुलर है जिससे हम ऑयल का फिल्टर खोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रो ओनर्स को पता ही कि कैसे ऑयल फिल्टर खोलना बहुत डिफिकल्ट है, जो कि बहुत ही तंग जगह पे है। वहाँ पे दूसरा छन्नी वाला क्या कहते हैं ये टाइप का जो आप देख रहे हो फिल्टर, वो नहीं लग सकता। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो गाड़ी के नीचे पहले पहुंचते हैं, ये रैक ये कंटेनर लेके ऑयल कैच करने रहा, और चलो शुरू करते हैं। सो ऑयल चेंज करने के लिए मैंने थोड़ी सी ईंटें नीचे लगाई हैं, ताकि मुझे थोड़ी क्लियरेंस मिल जाए गाड़ी के नीचे चेंबर बोर्ड को एक्सेस करने के लिए। और इसका ऑयल फिल्टर यहाँ लोकेटेड है, ये रहा, ये तंग जगह पे जहाँ पे हम दूसरे छन्नी वाला ऑयल फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते, गाड़ी की फ्रंट से विजिबल होता है। और ये एग्जॉस्ट के पास इधर लगा होता है, तो मेक श्योर आपका इंजन कोल्ड हो हॉट करने के बाद। और ये रहा हमारा नीचे ऑयल कलेक्टर, और ये है हमारा चेंबर बोल्ट। यहाँ चेंबर बोल्ट हम खोलेंगे और ऑयल चेंज करेंगे। सो आई थिंक एंगल सही नहीं आ रहा होगा, चेंबर बोल्ट हमारा इसके यहाँ इस साइड पे, तो ये है चेंबर बोल्ट। 17 mm का नट लगेगा इसको, मैं लेके आता हूँ। सो ये हमारा चेंबर बोल्ट है, इसको अच्छे से साफ कर लो ताकि दिक्कत ना हो। ओके, डर तो लगता है गाड़ी नीचे हो, बट फिर काम तो करना ही पड़ता है भाई। ओके, तो ये लग गए यहाँ पे, अब इसको खोलते हैं, थोड़ा लूज करते हैं। हो गया, तो गेट रेडी फॉर एक्शन। थोड़ा तेल नीचे गिर भी सकता है, बट बी केयरफुल, गाड़ी थोड़ी सी गर्म है, थोड़ी चल के आई है ना। ओके, खोल गया, काफ़ी गंदा तेल आप देख सकते हैं। तो चलो तब तक ऑयल ड्रेन होने देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब तक ऑयल ड्रेन होता है तो थोड़ा नीचे गिरी ऑयल, तो तब तक इसका हम ऑयल फिल्टर खोलते हैं, यहाँ पे जो है लोकेटेड। वेट करो एक सेकेंड, तो जब तक ऑयल ड्रेन हो रहा है तब आती फिल्टर की बारी।
हमें जाना है वहाँ उस एरिया, वो एयर फिल्टर है कि वहाँ पे लगता है। तो फिल्टर के लिए जो पाना चाहिए था ये साइलेंसर के, वेट करता हूँ पहुँचता कैमरा, नहीं पहुँचेगा। तो ये साइलेंसर के इस साइड डलता है, चलो शुरू करते हैं। ओके तो ये था हमारा सेंट्रो का ऑयल फिल्टर ओपनर। इसे हम ऊपर से करते हैं, पहले तो कैमरे के सामने आ रहा हूँ। ओके अब ये एक्सटेंशन रोड लेंगे, फ्रंट से डालेंगे। तो सबसे पहले तो इस हैंडल का यूज़ करो। ओके तो इसको हम खोलेंगे, बी केयरफुल, ज़्यादा टाइट हो सकता है। तो कूलर इसलिए लेके आया था मैं, खोल गया। ओके ओपन्ड, थैंक गॉड, बहुत ज़्यादा टाइट हुआ बड़ा। ओके तो ये था स्पेशल टूल, अब फिल्टर को निकाल लेंगे। तो ये था हमारा ओल्ड ऑयल फिल्टर, जेनुअन है तो गंदा हो गया। अब इसको साइड पर रखेंगे, मैंने इसको नीचे नहीं पलटाया, मैं इसको साइड पर करते हैं हम, और सिर्फ 15-20 मिनट वेट करते हैं ऑयल ड्रेन होने का। तो इसको साइड पर करते हैं फिल्टर को। तो फ्रेंड्स हमने फिल्टर को खोल दिया है, और फिल्टर होजिंग देख लो, ऑलमोस्ट ज़्यादा गंदी तो नहीं है, साफ पड़ी हुई है। इसको थोड़े ड्रेन होते हैं, ये देखो थोड़ी गंदगी नीचे काफ़ी होगी ऑयल ड्रेन होते वक्त। तो तब तक वेट करते हैं वहाँ पे फिल्टर होजिंग ड्रेन होने की। वो रही फिल्टर होजिंग हमारी, ये नैरो प्लेस है एक तरह से, बहुत ही यहाँ से ही सक्सेस होता है हमारा एयर फिल्टर हाउसिंग, सॉरी ऑयल फिल्टर हाउसिंग। यहाँ पे ऑयल फिल्टर इंस्टॉल होता है साइलेंसर के पास, मेरे इस साइड, इसके नीचे, साइलेंसर के नीचे ही एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर लगता है। तो हम 15-20 मिनट ऑयल ड्रेन होने देते हैं ताकि इंजन से कंप्लीट ऑयल हो जाए ड्रेन। ओके फ्रेंड्स तो हमारी गाड़ी का 15 मिनट पूरे हो गए, ऑयल ड्रेन हो रही गाड़ी का, हो चुके ऑलमोस्ट। तो अब बारी आती है न्यू फिल्टर इंस्टॉल करने के लिए। तो न्यू फिल्टर इंस्टॉल करने के आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुको मैं कैमरा एंगल चेंज करता हूँ। आई थिंक आपको अब ऑयल फिल्टर नज़र आ रहा होगा फ्रंट से। तो हम क्या करेंगे, नया ऑयल फिल्टर लेंगे, इसके ऊपर ली सेफ्टी लेड उतार रही हम, जो सेफ्टी लेमिनेट हुई बढ़िया, जेनुअन ही पार्ट यूज़ करना। ये स्क्रैच इसलिए लग गया क्योंकि जो ऑयल फिल्टर का जो पुलर था उसमें एक बार मैंने लगाया और वो फंस गया, और निकालते निकालते इसका पेंट भी उतर गया। तो मैंने बहुत मशक्कत किया, ये ऑयल फिल्टर का पुलर से निकाला है, और ऑयल फिल्टर का जो पुलर है उसको मैं रेती से घिसा घिसा के इसके लैग बनाया, ताकि अगले आने वाले ऑयल फिल्टर के लिए दिक्कत ना हो जो मैं नेक्स्ट सर्विस करूँगा गाड़ी की। तो इसको इग्नोर करो, कोई इसका ज़्यादा इशू नहीं है, इशू ये है आप जेन्युइन यूज़ करो। तो जेन्युइन फिल्टर लेके इस पर थोड़ा ऑयल लगा लो इसकी ओ रिंग पे, ताकि ये चिपके ना इसकी रिंग। पुराना ऑयल ले लो, नया ऑयल ले लो, बात एक ही है। इसको अच्छी तरह ड्यूब कर दो। ओए कौन है पीछे मेरा कुत्ता घुरा, कौन है? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, चुप। वो कुत्ता बार्किंग भौंकी जा रहा, क्या करें, काम में दिक्कत आ रही है। तो इसको ल्यूब करो अच्छी तरह से, इसकी ये चूड़ी को भी ल्यूब कर दो, पुराने वाले से करो नए वाले से करो कोई दिक्कत नहीं। रात को काम करते हैं, बहुत भी डिस्टर्बेंस हो रही है, कुत्ते बिल्ले चूहे सब तंग करें। तो ओके ये फिल्टर रेडी हो गया, डोंट वरी ये गंदा हो गया कोई बात नहीं, बट मेन मुद्दा ये है ऑयल रिंग ल्यूब होनी चाहिए और ये अंदर होज भी। तो चलो अब फिल्टर बंद करके इंस्टॉल करते हैं ऊपर से। ये
अच्छी तरह लग गया। ओके अब हम इसका टूल लेके आते हैं। टूल लेके आने के इसको कसते, वेट करो। तो ये इसका टूल लेके आ गया हम। अब टूल से इसको कसेंगे। इसको कसे जाओ कसे जाओ। ओके कसा गया। अब क्या करना है, एक्सटेंशन रोड लेनी है, उस टूल पे लगानी है और ऑयल फिल्टर को कसते जाओ। ओके वन, ज़्यादा टाइट मत करना है ना, खराब हो जाएगा। ओके वन, थोड़ा हो गया। ओके ज़्यादा टाइट मत करना है नहीं तो हाउसिंग खराब हो जाएगी आपकी। ओके तुम्हारा काम हो गया। अब टूल को सेफली बाहर निकाल लेंगे हम। टड़ा, ये टूल बाहर आ गया और ऑयल फिल्टर लग गया। तो चलो नेक्स्ट स्टेप है इसका नीचे ड्रेन प्लग कसना। वेट करो एक सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे ऑयल ड्रेन पैन है जिसमें ऑयल कलेक्ट किया है, उसको यहाँ से निकाल लेंगे बाहर। ओके और ख़त्म आज की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, 10,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुका है, डीजल इंजन जितना काला हो चुका है। तो इसको साइड पर रखते हैं। वो रहा इसका ऑयल फिल्टर गंदा वाला और ये इसका गंदा ऑयल। तो इसका ड्रेन प्लग अच्छी तरह से साफ करते हैं फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। एक ये ड्रेन प्लग है, ये रैग है, रैग इसके थ्रेड साफ कर लो अच्छी तरह से। क्रश वॉशल ठीक कंडीशन में है, दैट अच्छी तरह साफ करो, मेक श्योर कि ये अच्छी तरह टाइट हो जाए। ह्यूंडई ने एक गलती की, ये नट थोड़ा लंबा रखना चाहिए था जिससे थ्रेड अच्छी तरह होता और लाइफ भी रहती चेंबर की। ओके तो ये ड्रेन प्लग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साफ हो गया, बट थोड़ा सा गंदा है, डोंट माइंड, क्योंकि गाड़ी काफ़ी गंदगी में चलती है, नीचे कौन घुस के देखता है गाड़ी का, एक बार ही देखने को मिलता है जब सर्विस होती है। ओके ये मैट गंदा हो गया मेरा, ड्रेन प्लग को साफ करते रहो। ओके तुम्हारा ड्रेन प्लग अच्छी तरह साफ हो गया ऊपर से, बाहर से जितना मर्जी गंदा रहे पर यहाँ से अंदर से और क्रश वॉशर के साफ रहने चाहिए। ओके देन फाइन। सो चलते हैं गाड़ी के नीचे चेंबर बोल्ट पे, यहाँ पे चेंबर बोल्ट लगाना है चेंबर में। ओके फ्रेंड्स तो वो इसका ड्रेन बोल्ट लगाते हैं। ड्रेन बोल्ट कहाँ गया इसका? तो थोड़ा सा ऑयल अभी स्पेत हो रहा है, डोंट वरी। तो 17 mm का ड्रेन बोर्ड हम कसते हैं, मेक श्योर ये ज़्यादा कसा हो जाए, ओवर टाइट कभी ना हो, क्योंकि ओवर टाइट से आपका चेमर ख़राब हो सकता है जो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ तक आ गया, अब इसको अपने हिसाब से टॉर्क कर दो, ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना, जस्ट लिटल बिट, इतना टाइट कर दो कि खुले ना कभी, और ज़्यादा ही टाइट में कर दो कि ख़राब हो जाएगी आपका चेंबर। ओके ओके फाइन एनफ, ज़्यादा मत करो नहीं तो अगली बार के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो चलो हमारा ये भी काम हो गया फतेह, मतलब कि ये सक्सेस हो गया। एक बार दोबारा, ओके फाइन ठीक है, ज़रा ओवर टॉक में करना प्लीज़, नहीं तो आपका ये चेम्बर सारा चेम्बर एक ऑयल पैन या आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है और बहुत ही महंगा पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फाइनली फ्रेंड्स अब टाइम आ गया गाड़ी को सबसे बढ़िया डोज देने का, जो कि है मोटूल 20W50 ऑयल 2000 मल्टी पावर व्हीकल के लिए। ये बेसिकली मिनरल ऑयल होता है जो आपकी गाड़ी छोटी गाड़ी में डालता है, जैसे ऑल्टो वैगन आर या स्विफ्ट या फिर जो भी 1300-1400 cc की पेट्रोल गाड़ी इसमें डालता है, लो परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कि जिसको कम यूज़ करना होता है, हाई परफॉर्मेंस के लिए आप 80-100 यूज़ करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये मैं
बाद में डिस्कस करूँगा, ऑयल की वीडियो भी लाऊँगा, काफ़ी टाइम लगेगा अभी ऑयल की सर्च करने में। वैसे ऑयल के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, आप ऑयल के बारे में जस्टिफाई करो कि ये 20-50 क्या होता है, APISL क्या होता है और सेमी सिंथेटिक फुल सिंथेटिक क्या होता है। तो ऑयल के बारे में बाद में बात करेंगे, किसी दिन वीडियो में इसमें शूट करूँगा, पर टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, इस गाड़ी में हम ऑयल फिल करेंगे यहाँ से, इसका फिलिंग कैप यहाँ पे है और डिपस्टिक यहाँ के निकालो, डिपस्टिक को और सेफ्टी यहाँ पे रख दो, साफ़ करके यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिपस्टिक लगती है गाड़ी की और यहाँ पे ऑयल डलता है, इस गाड़ी में 3 लीटर ऑयल डलता है। तो चलो शुरू करते हैं गाड़ी में वो घुट्टी बनाने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पानी की बोतल हम यहाँ पे यहाँ रखेंगे और आराम से ऑयल डालेंगे। फिर इसको ओपन करो, ढक्कन को इस पर टका दो। ओके, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। तो ढक्कन को सेफली रखो, साफ करके रखेंगे। हम लेंगे मोटर का ऑयल, सबसे बेस्ट ऑयल यूज़ करता हूँ व्हीकल्स में, चाहे स्कूटर हो, मोटर हो, कार हो, मैं मोटर पे ही ट्रस्ट करता हूँ, बाकी सारे ब्रांड की बात नहीं करूँगा। एक मिनट, तो मोटर की सील खोलते हैं। एक तो कैमरा सही जगह पे नहीं है, तो चलो। तो आराम से इसमें गाड़ी में ऑयल डालते हैं। एक मिनट, एक कैमरा एंगल चेंज करता हूँ मैं। ओके, मैं लगता है यही कैमरा एंगल ठीक है, तो मैं ऑयल फिल करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा मुश्किल ही है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं। एक सेकंड वेट करो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक और बोतल का टोटा ले आया हूँ, यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ी अब इजी हो जाएगा डालने में। तो चलो डालते गाड़ी तेल। तो इसमें ऑयल पर डल गया, तो डिपस्टिक चेक करते दो मिनट को। तो ऑयल फिल करते करते थोड़ा सा ऑयल ओवरफ्लो हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा आराम से डालना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑयल गिरा, पर डोंट वरी, इतना सा ऑयल गिरा बस। ओ यार, मुझे लगता कुछ ज़्यादा ही गिर गया, पर डोंट वरी। तो चलो थोड़ी देर में चेक करते इसका। तो ये वजह थी, मेरा ऑयल थोड़ा सा बाहर गिर गया, यहाँ पे जो इसका हेड कवर है, हेड कवर में यहाँ पे ओवर फिल हो जाता है, जिससे थोड़ा बाहर तो इसको आराम से ऑयल भरना होता है। तो चलो कैप को वापस लगाते हैं, थोड़ा गंदा कैप, रैक पे साफ करते हैं, अरे गंदा तो है नहीं, थोड़े स्लज मार्क लगे हैं, कहाँ कैसे लगाएं, एक हाथ से काम नहीं होता। ओके, तो ये रहे हमारी डिपस्टिक। अब हम डिपस्टिक लेंगे, साफ करेंगे डिपस्टिक को और ऑयल चेक करेंगे। ऑयल लेवल देखो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब थोड़ा सा ऑयल गिरा है, हमारा 20-40 ml गिरा है। अब ये वो स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी का यहाँ से ऑयल लेवल यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, डाल दो डिपस्टिक को, वापस डालते हैं। मेक श्योर कि आपका ड्रेन बोर्ड प्लग सही से लगाओ, एक पुराना गंदा ऑयल है जो गिर गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये रही की मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पर सीट पर रखी थी, और गियर से न्यूट्रल कर दो। अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को 10-20 सेकंड के लिए। 1 2 3 गो। गाड़ी को स्टार्ट रहने दो अभी। गाड़ी का इंजन बिल्कुल साइलेंट हो गया, आप सुन सकते हो भाई, बिल्कुल है नहीं फालतू भाई। तो गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं और लीक तो नहीं रहते ऐसे। फिल्टर बिल्कुल सही है, फिल्टर लीक नहीं कर रहा। अभी कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं हम। फिल्टर तो लीक नहीं कर रहा, जो पुराना वाला वही गिरा हुआ है।
इसका ना फिल्टर सही तरह कसा गया, इंजन रन हो रहा है एसी के साथ, एसी सॉरी बेड, और नीचे से इसका कंडीशन, तो नीचे से इसका ड्रेन बोल्ट चेक करते हैं। ये भी लीक नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा ऑयल लग गया क्योंकि जो एक आधी बूंद गई थी वो ही है, इसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट रहना है, ऑब्जर्व करना है हमने। तो ऑयल तो फिल्टर लीक नहीं हो रहा, दैट्स मीन हमारा ऑयल फिल्टर सही तरह इंस्टॉल हो गया। आई मीन एक मिनट से ऊपर हो गया इंजन, अब स्टार्ट होएगा। अब बंद करते गाड़ी को, शट ऑफ द इंजन। अब दो मिनट के इंजन को सेटल डाउन होने दो, ताकि जो ऑयल है ऊपर सर्कुलेट हो गया, अभी सेटल हो रहा है, रवा हो गया। अब चेक करते हैं इसको ऑयल लेवल थोड़ी देर तक, तो दो मिनट तक आते हैं हम ऑयल लेवल चेक करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे इंजन को बैठे को दो मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब चेक करते हैं ऑयल लेवल क्या है। एक मिनट कपड़ा कहाँ गया, इसको हम डिपस्टिक को साफ करते हैं। अब दिखाता हूँ ऑयल लेवल क्या है, डिपस्टिक को अच्छी तरह साफ कर लो। ओके, अब तो ऑयल लेवल बिल्कुल सही आ गया हमारा, देखो इस मार्क पे ही है, जबकि गाड़ी ऊपर लेवल खड़ी है, इंजन इसका इस लेवल पे है, इवेंट पे खड़ी है, तब भी इसका फुल मार्क पे दिखा रहा है। तो डैट्स मीन कि हमारा सिर्फ 10 या 20 ग्राम ऑयल कम हुआ है, 20 या 30 ml ऑयल कम हुआ है। तो लीक भी चेक कर लिया हमने ऑयल फिल्टर द्वारा ऑब्जर्व करके, ऑयल फिल्टर से कोई लीक नहीं है, ये पहले का ही पुराना ऑयल है जो ऑयल फिल्टर निकालते गिर गया था, और पूरा ड्रेन बोल्ट, तो ऑयल लीक बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। तो डैट्स मीन हमारा ऑयल चेंज को सक्सेसफुल हो गया। तो इस सेंट्रो का जो ऑयल फिल्टर पुलर है, सेंट्रो का ही है, ये एक तरह से टाइट आ गया था, टाइट करते ऑयल फिल्टर घुसता ही था, जो पर उसका ऑयल फिल्टर का हेड होता है उस पर लगता ही था इजीली। तो मैं इसको रेती से घिसा घिसा के इसको उस काबिल बनाया ताकि ऑयल फिल्टर के ऊपर लग जाए, जिससे मैं ऑयल फिल्टर का वो घिस गया था जो ऊपर से रंग होता है, दिखाता हूँ आपको। ऑयल फिल्टर का जो ये होता है ना हिस्सा, ये घिस गया था, ऑयल फिल्टर का जो ये है वो रंग उतर गया था, जिससे क्या कहते हैं अपना ये टोल नहीं चढ़ता था। तो टोल चढ़ाने के लिए मैंने इसको रेती से घिसाया। तो ऑयल चेंज कुछ गाड़ियों में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जैसे मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू और ऑडी और या कोई और सेडान कार होगी लग्जरी क्लास में, क्योंकि उनका निचला जो चेंबर इंजन होता है, चेंबर कंपार्टमेंट होता है, वो एक स्किड प्लेट से कवर होता है, पहले वो खोलना होता है, वो खोलने के बाद स्किड प्लेट खोलने के बाद आपको ऑयल चेंज करने के लिए चेंबर मिलता है जिसका ड्रेन बोल्ट खोल सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी रहती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं एक तरह से, बस आपका गाड़ी का चेंबर बोल्ट खोलो, ऑयल फिल्टर खोलने के लिए स्पेशल टूल होना चाहिए, ऑयल फिल्टर खोलो, ऑयल फिल्टर सही से इंस्टॉल करो, ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करते तक उसकी गैस्केट पे आपको ऑयल लगाना है, जिससे उसकी सीलिंग अच्छी हो, लीकेज ना हो, और नेक्स्ट टाइम ऑयल फिल्टर खोलने में ईजी हो। और सेकेंड थिंग, ऑयल ड्रेन बोल्ट का क्रश वॉशर चेंज करनी चाहिए टाइम टू टाइम। अगर वो क्रश वॉशर की कंडीशन ठीक है तो आपको रीयूज़ कर सकते हैं, अगर क्रश वॉशर की कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो बस यही था एक ऑयल चेंज करने का गाड़ी का तरीका। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो, अब गाड़ी में एक और काम करना मैंने, वो है रेडिएटर फ्लश करना, क्योंकि रेडिएटर में काफ़ी देर से मैं कूलेंट चेंज नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उस पर रहेगी। उससे पहले मैं ऑयल फिल्टर को पार के दिखाऊंगा कि आपको जेन्युइन ऑयल फिल्टर क्यों यूज़ करना चाहिए। इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि गाड़ी की लाइफ बढ़ती है, और जो जेन्युइन ऑयल फिल्टर होता है वो ही डिज़ाइन होता है गाड़ी के इंजन के हिसाब से। तो कैसा लगा आपका वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से कि कैसे ऑयल चेंज करना है। वैसे कोई औखा काम नहीं है, सौखा काम ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।